बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो नॉन मेटल्स की वो बिल्कुल अपोजिट टू द मेटल्स होती है। सबसे पहली चीज की नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं होती है, ठीक है, ना ही टक्टाइल होती है, ना तो हम इनको थिन शीट्स पे कवर कर सकते हैं, ना ही हम इनको यहाँ पर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पर आपका कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा नॉन लस्टरस, इनके अंदर शाइन नहीं होती है किसी भी तरीके की, कोई भी चमक नहीं होती। हाँ एक्सेप्शनल केस हमारे पास यहाँ पर जरूर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, दैट इज द आयोडीन, ठीक है। एक्सेप्शनल केस को मैं यहाँ पर रेड पेन से मेंशन कर रहा हूँ, यानी आयोडीन जो होता है वो इसका एक्सेप्शनल केस है हमारे पास। आयोडीन के अंदर यहाँ पर शाइन होती है, चमक होती है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल जनरली हमारे पास कैसी बेटा, जनरली तो ये सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड, और यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है, डायमंड को छोड़ देगा। डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट नॉन मेटल, जब हम देखते हैं डायमंड नॉन मेटल तो ही, लेकिन मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है जो अर्थ के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इजिली ब्रोकन होती है हमारे पास यहाँ पर, बहुत इजिली ब्रोक हो जाती है नॉन मेटल। और नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट और गैस तीनों स्टेट से हमारे पास यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन सल्फर फॉस्फोरस ये हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं लिक्विड फॉर्म में बात करता हूँ तो ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, ये सब हमारे पास गैसेस फॉर्म में, गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट। अच्छा नॉन मेटल्स के अंदर हम एक चीज और भी देखते हैं, देयर इज लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और साथ ही साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा लो होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन केस है किस चीज का, अगेन पढ़ते हैं किस चीज का बच्चों, डायमंड का फिर से एक्सेप्शनल केस है। डायमंड हमारे पास एक नॉन मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इनकी काफी लो है जिसकी वजह से हमारे पास लाइट वेट होते हैं, हैवी नहीं होते जैसे मेटल्स की हमारे पास। नॉन सोनोरस, किसी तरह का कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी आवाज इनके अंदर क्रिएट यहाँ पर नहीं होती है। और नॉन मेटल्स हैवी डिफरेंट कलर, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल होती है नॉन मेटल जो, ठीक है। जैसे कि सल्फर कौन सा कलर का होता है कुछ कुछ पता भी होना चाहिए आप लोगों को। अगर मैं बात करता हूँ सल्फर, तो सल्फर बेसिकली येलो कलर का होता है, हम इसको देसी भाषा में गंधक भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं तो फॉस्फोरस मेरे पास व्हाइट कलर में भी है, रेड कलर में भी है, रेड फॉस्फोरस जिसको बोला जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट ब्लैक कलर की होती है हमारे पास, ठीक है। ग्रेफाइट हमारे पास ब्लैक, क्लोरीन येलोइश ग्रीनिश हमारे पास गैस होती है, ठीक है, जो क्लोरीन है येलोइश ग्रीन, जबकि बहुत सारी गैस होती है जो हमारे पास कैसी होती है बच्चों, कलरलेस होती है, भले ही चाहे हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, ये सब बात है, ठीक। चलो तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई बात नहीं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और हम बात करेंगे दिमाग।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अक्सर देखा गया है कि बच्चे भी टीचर्स भी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी थोड़ा सा इश्यू होता है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जी नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हमें इन चीजों का भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नॉन मेटल विद ऑक्सीजन देन वी गेट नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन होती है नॉन मेटल ऑक्साइड की। एग्जाम्पल कार्बन प्लस ओ टू वी गेट सी ओ टू, सल्फर प्लस ओ टू वी गेट एस ओ टू। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज के बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज अबाउट द नॉन मेटल। उसके अलावा जैसे आप लोग यहाँ पर ले सकते लो जी हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो हमारे पास बन गया, तो बैलेंस कर देंगे दो दो दो, ये दो यहाँ पर तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई वाटर की, जो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है आप सबको पता है। अगर सिर्फ कार्बन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, लेकिन अगर मान लीजिए इनसफिशियंट सप्लाई हो ऑक्सीजन की, इफ देयर इज अ इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO, देन कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ये भी हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये किस तरीके से होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड बने तो है लेकिन इनके अंदर एक खास चीज देखने को मिलती है यहाँ पर कि इनकी फॉर्मेशन होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कैसे बनते हैं बच्चों, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण ऐसे कंपाउंड बनते हैं। जो स्टूडेंट्स पुराने लास्ट ईयर से हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हमने उन्हें नाइन्थ में बताया था कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। तो जिनके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मेरे पास कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये जो भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात हो, जैसा कि मैंने बताया ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है दोनों के दोनों, लेकिन CO2 है SO2 है, ये दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड है। अब एसिडिक ऑक्साइड है इस बात से क्या मतलब है, एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास होते हैं अगर इनकी रिएक्शन में वाटर के साथ करता हो तो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CO2 की रिएक्शन करता हूं मैं H2O के साथ, या फिर SO2 की रिएक्शन करता हूं मैं H2O के साथ। तो देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है लेकिन दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। जब इनकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ देन फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड, यहां पर फॉर्मेशन होती है एसिड की। तो ये मेरे पास बन जाता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन गया है और फिर हमारे पास बन जाता है यहाँ पर H2SO3 यानी कि सल्फरस एसिड। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को इन दोनों एसिड के बारे में भी बताया था, ठीक है जी। चलिए सर हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो आप एक काम, जैसे सॉल्यूशन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड का सर हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम इसके वाटर के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका नेचर एसिडिक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ एयर में भी। सल्फर एक येलो कलर का सॉलिड होता है बेटा, आप लोग कभी जैसे सुना होगा कि किसी को खुजली वुजली की शिकायत हो जाती है ना दादा, तो क्या करते हैं गंधक लाते हैं मार्केट से, और गंधक परचून की दुकान में मिल जाता है, सल्फर ही होता है, उसको गोले के तेल में मिला के बॉडी पे लगा लेते, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, आज खुलजे उससे सही होती है। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर आप सल्फर को कभी भी बर्न करेंगे, ठीक है,
तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा अब जैसे मैंने बताया नॉन मेटल ऑक्साइड है मेरे पास कौन कौन से, CO2 है, SO2 है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका नेचर कैसा है भाई, एसिड बन रहा है तो एसिडिक नेचर हो गया ना, इनका नेचर कैसा है हमारे पास एसिडिक नेचर है। ये जो एसिडिक ऑक्साइड है दीज आर द एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, इन्हीं एसिडिक ऑक्साइड्स को हम लोग यहां पर बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, दीज आर द एसिड एनहाइड्राइड, इनको हम लोग यहां पर एसिड एनहाइड्राइड्स बोलते हैं। देखो नाम है इनका और कुछ नहीं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। अब हम देखते हैं जैसे फॉस्फोरस है नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बना देता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जैसे यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाइए, मान लीजिए फॉस्फोरस की भी रिएक्शन करता हूँ, फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है मेरे पास यहाँ पर P2O5, ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है, कोई इश्यू नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास H2CO, ये न्यूट्रल है हमारे पास, ना तो एसिडिक है ना ही हमारे पास ये बेसिक है। तो न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड है या वाटर है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे पास न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। चलिए ठीक है, तो एक रिएक्शन मैंने करके दिखा दी आप लोगों की नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल वाटर, ठीक है, वैसे तो इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इस वजह से मैं कह रहा हूं। देखो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, देयर इज नो रिएक्शन, चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे वो कोल्ड वाटर हो और भले ही चाहे वो स्टीम हो, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, उनमें कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन to form water and hydrogen gas, that's the reason behind. फिर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड के साथ, अगर मान लीजिए हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के साथ, तो नॉन मेटल यहाँ पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं करती है डाइल्यूट एसिड के साथ में। ओके ओके ओके, हम ये भी कह सकते हैं नॉन मेटल्स के अंदर इतना कैलिबर नहीं होता कि वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके और एसिड की फॉर्मेशन करे, तो यानी कि यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती है हमारे पास, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, दिखाई दे रहा आपको नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज रह जाता है कई बार, ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होती है वो कम रिएक्टिव नॉन मेटलिक सॉल्ट में से नॉन मेटल को हटा करके खुद अटैच हो जाती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है हमारे पास यहाँ पर, सोडियम तो मेटल है हाँ भैया लेकिन ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, तो मेटल नॉन मेटल दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड की, बाद में आएगा वो, तो NaBr है और अगर इसकी रिएक्शन करता हूँ मैं Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ, तो मैं देखता हूँ क्लोरीन भी नॉन मेटल है Br भी नॉन मेटल है। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर मत करना, यहाँ पर कम रिएक्टिव नॉन मेटल को ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल के साथ कंपेयर करना, तो क्लोरीन मैं देखता हूँ ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है तो फॉर्मेशन हो जाती है NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस में Br2 ब्रोमीन गैस जाएगी जो अलग निकल जाएगी। सो इज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी बिल्कुल, जहां पर हम देखते हैं कि रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल ब्रोमीन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से जो सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन, ठीक है जी।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। बहुत अच्छी है, नॉन मेटल विद क्लोरीन। अगर मान लीजिए नॉन मेटल की रिएक्शन यहाँ पर क्लोरीन के साथ होती है तो हो जाएगी क्या दिक्कत है हमारे, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बनते हैं यहाँ पर, जो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये भी मैंने H2 गैस हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हो गई क्लोरीन के साथ, देन व्हाट वी गेट HCl मिल जाएगा यहाँ पर हमारे पास, जो बेसिकली क्या है कोवेलेंट क्लोराइड होता है, समझे। तो HCl है बेसिकली, देखो हाइड्रो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म अ कोवेलेंट क्लोराइड कॉल्ड द हाइड्रोजन क्लोराइड। नॉन मेटल क्लोराइड जो होते हैं मेरे पास वो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे HCl मेरे को यहाँ पर मिलता है तो गैसियस फॉर्म में मिलेगा, अब हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में है, तो HCl जो मिलती है मेरे को वो भी यहाँ पर गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है मेरे पास, इसका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। मान लीजिए नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर, नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। अब अगर रिएक्शन होती है नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ में तो क्या बनेगा, तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स बन जाएंगे जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। मान लीजिए H2 की रिएक्शन होती है किसके साथ, सल्फर के साथ, देन व्हाट वी गेट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मेरे पास यहाँ पर बन गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। या मान लीजिए नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है, N2 की रिएक्शन होती है H2 के साथ, तो बन जाएगा NH3, NH3 बन जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली अमोनिया है, इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पर जी, कोई इशू नहीं मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये हमारे पास नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है।